उत्तम सत्य धर्म की। क्या पढ़ा अपने सुबह सुबह? कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। हे जीवो, तुम कठिन वचन मत बोलो। कठिन मतलब जो बोलने में सरल लगे, आसान होवे उसको तो बोलना, और जो बोलने में बहुत कष्ट होवे उसको मत बोलना। जो बोलने में मुश्किल पड़े ऐसे कठिन शब्दों को मत बोलना, और सरल शब्दों को बोलना। यही है इसका अर्थ, कठिन वचन मत बोल। कठिन का क्या अर्थ है? कठिन माने जो दूसरों को कठोर लगे, जो दूसरों के लिए कठोर हो, ऐसे वचनों का उच्चारण मत करो। भले ही सत्य भी हो, ठीक है, हो गया काम है तो कोई दिक्कत नहीं, भले ही सत्य भी हो, लेकिन यदि वो वचन अप्रिय हो तो वो असत्य के समान ही माने जाते हैं। और पर निंदा, दूसरों की निंदा, भले ही सच्ची भी है, माने दूसरों के जो गुण है, दूसरों के जो दोष हैं, उन दोषों को प्रकट किया, ऐसा नहीं कि उसमें दोष नहीं थे, उसकी निंदा करी हमने, वो झूठी नहीं की है, सच्ची की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंकि वो निंदा है इसलिए वो झूठ है। माने निंदा में ये नहीं देखा जाता कि बात सच्ची है कि गलत है, निंदा है यदि वो तो झूठ है, चाहे वो सच्ची निंदा हो चाहे झूठी निंदा हो। पर निंदा, और तीसरा है झूठ तज, माने झूठ माने जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न कहकर अन्यथा कहे, वो तो झूठ है ही, लेकिन जैसी है वैसी भी कहे, लेकिन किसी की निंदा रूप हो अथवा किसी जीव के लिए अहितकारी हो, कठोर लगती हो, उसको सुनने में अप्रिय लगती हो, कर्कश लगती हो, तो वो वचन असत्य ही समझना। क्या? और यदि अपन आगे जाएं तो जिनवाणी माँ तो इतना तक कहती है कि जिसका मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे समस्त वचन जो कि दूसरे को पाप में डालने वाले हो, व्यर्थ में उसके दुर्ध्यान के कारण हो, ऐसे समस्त वचन जो निरर्थक है, वो सब असत्य की श्रेणी में डालना। देखो, हमारे जीवन में कुछ तो होती है अशक्य अनुष्ठान। अशक्य अनुष्ठान मतलब जो हम त्याग नहीं सकते, और कुछ होता है सक्यानुष्ठान। सक्यानुष्ठान मतलब जो हम छोड़ सकते हैं। अब अपना व्यापार व्यवसाय तो छोड़ नहीं सकते ना, तो व्यापार व्यवसाय करना तो हमारे लिए जरूरी है, नौकरी करना जरूरी है, नौकरी नहीं करेंगे तो अपन खाएंगे क्या? तो नौकरी व्यवसाय ये अपने लिए आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि ये नौकरी व्यवसाय करते हुए ही अपने द्वारा अनेक बार असत्य बोलने में आ जाता है, और उसमें कितने ही असत्य ऐसा होता है जिसको हम छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन दूसरा ऐसा बहुत असत्य वचन है अपने जीवन में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हंसी मजाक के वश में होकर हम जो झूठ बोलते हैं, अथवा किसी को नीचा दिखाने के लिए जो झूठ बोला जाता है, सामने वाले को जानकर ऐसे वचन बोलना जिससे उसका मर्म छिज जाए, उसको अंतरंग में दुख हो, अथवा वो जीव मोक्ष मार्ग से दूर हो जाए, अथवा आपस में किसी की कलह उत्पन्न हो जाए, अथवा उसके ऊपर ऐसा कोई संकट आ जाए जिसके कारण वो जेल में बंद हो जाए, उसकी आजीविका छिन जाए, उसके किसी पुत्र पुत्री का वियोग हो जाए, ऐसा झूठ तो आचार्य कहते हैं कि ये जीव त्याग कर ही सकता। गृहस्थ जो होता है, वो गृहस्थ यद्यपि पूरी तरह से असत्य का त्याग करने में समर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि असत्य का त्याग यदि वो पूरी तरह से कर देगा तो मुनि बन जाएगा, इसलिए वो पूरी तरह से त्याग चाहते हुए भी नहीं कर सकता। तो उसके लिए इतना ही कहा है कि यदि तुम पूर्ण रूप से असत्य का त्याग नहीं कर सकते, तो ऐसे असत्य का त्याग तो कर ही सकते हो जिससे तुम्हारे जीवन में कोई घाटा नहीं पड़ता। समझ में? उसको कहते हैं निष्प्रयोजन का झूठ।
बिना प्रयोजन का। जो प्रयोजन है जिसमें अपना आजीविका का, वो तो चलो ये छोड़ नहीं सकता, लेकिन जो बिना प्रयोजन का है वो तो ये छोड़ सकता है ना। तो वो बिना प्रयोजन का झूठ तो छोड़े, ये बिना प्रयोजन के झूठ नहीं छोड़े और कहे कि साहब मैं तो सीधे एक साथ पूरा असत्य का त्याग करूंगा। तो कहते हैं कि जिसके अभी अप्रयोजन भूत असत्य का त्याग नहीं हुआ है, वो प्रयोजन भूत असत्य का त्याग कैसे करेगा? अप्रयोजन भूत असत्य समझते ना, जिससे अपना कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ में किसी की निंदा करना, चुगली करना, किसी को फ्री फोकट में व्यापार व्यवसाय की एडवाइस देना, अरे इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, इससे हमारे मोक्ष मार्ग का भी कोई प्रयोजन नहीं है और हमारे लौकिक जीवन का भी कोई प्रयोजन नहीं है। अपने एक व्रत होता है जिसका नाम है अनर्थ दंड व्रत, सुना आपने? क्या है उसका अर्थ अनर्थ दंड व्रत का? अधिकांश लोग उसका अर्थ करते हैं कि जैसे अभी अपनियाँ बैठे हैं और किन्हीं किन्हीं लोगों की आदत होती है, दरी का एक धागा निकाला, एक धागा इधर से निकाला और एक धागा उधर से निकाला और बैठे बैठे उन्होंने यहाँ पे स्वेटर बुनना चालू किया। बुनने वाले कुछ नहीं, ऐसे क्या करें बैठे बैठे, मन ही नहीं लगता उनका। तो जब तक पंडित जी का प्रवचन खत्म हो तब तक वो जो दरी है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं तो घर में मेरी खुद की एक रिश्तेदार पढ़ने आती थी, उसकी आदत थी। अब मेरे ध्यान नहीं गया कि ये चटाई रोज क्यों फट रही है, रोज देखे रोज चटाई फट रही है। नहीं, कोई नहीं आता अपने घर में, चटाई कैसे फट रही है, ऐसे कहा चूहे हो गए क्या हो गया। एक दिन मैंने उनको पढ़ाते समय ध्यान रखा, मैंने कहा चटाई भी ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं। देखा तो चटाई चल रही है उसकी, बिल्कुल उसका स्वेटर बुनना चल रहा है। मैंने कहा भैया कम से कम नहीं ला सको तो मेरी तो मत फाड़ो। ऐसी व्यर्थ की बैठे हैं तो उंगली मटकाएंगे, फालतू चल रहे हैं तो चलते चलते पेड़ पौधे तोड़ते हुए जाएंगे, जमीन खोदेंगे कुछ नहीं होएगा, कुछ कुछ भी कोई काम नहीं होएगा तो पत्थर फालतू पत्थर, ये क्रिकेट का वे गेम, ये स्टंप घुमा के जाए, आदत होती है लोग दौड़ते रहेंगे और उनका क्रिकेट का गेम चलता रहेगा। तो ऐसे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं ये तो बहुत स्थूल अनर्थ दंड है कि जिन कार्यों से अपने अपना कोई जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो बहुत स्थूल अनर्थ दंड। अनर्थ दंड माने अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन की सिद्धि तो कुछ हो नहीं, और अनर्थ माने अर्थ माने प्रयोजन, और अनर्थ माने जिससे कुछ प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो। प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अनर्थ और करे माने बुरा करे, कैसे बुरा करे, उसका अपने को दंड मिले, डंडा और पड़े अपने को। तो एक तो अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं की, दूसरा और उस कार्य से हमको पाप बंदोल हुआ, दंडोल मिला। तो ऐसे कार्यों का त्याग करना माने जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसे समस्त कार्य काय में आते हैं अनर्थ दंड में। और अनर्थ दंड व्रत में बिना प्रयोजन के कार्यों का त्याग कराया जाता है। अब आप पूछ सकते हो कि बिना प्रयोजन के कार्य क्या है? तो ये तो अपन ने जो उदाहरण दिए वो स्थूल उदाहरण दिए। कुछ लोग के लिए टीवी देखना भी प्रयोजन की चीज़ है, पिक्चर देखना प्रयोजन की चीज़ है, साहब 3 घंटे बहुत बढ़िया पास हो गए। हमारा तो एक मित्र है, बोले मैंने तो जितने भी जैसे ही मेरे पास पैसे इकट्ठे होते हैं ना, मैं सबसे पहले उस पैसे से फटाके खरीद लेता हूँ। क्यों? कि दिवाली में पैसे बचे नहीं बचे, पैसे का जो है इधर उधर खर्च हो जाए क्या भरोसा, इसलिए मैं तो पहले ही व्यवस्था कर लेता हूँ उसने। मैंने कहा अच्छा भैया, तो उसके लिए तो फटाके खरीदना बहुत प्रयोजनभूत क्रिया है। क्या किसी के लिए पिक्चर देखना बहुत प्रयोजनभूत क्रिया है? शनिवार हो गई तो पत्नी कहती है पिक्चर देखना तो अपने लिए मस्त है आज के दिन। क्या किसी के लिए रविवार के दिन किटी पार्टी जरूरी हो सकती है, महिला मंडल का तंबोला भी जरूरी हो सकता है। अभी जितने भी काम हैं ये सारे हमारी डेफिनेशन से तो सब जरूरी है, आवश्यक है, प्रयोजनभूत है। क्या प्रयोजन है इससे, इससे प्रयोजन की क्या सिद्धि होगी? सब मनोरंजन होएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कहते हैं कि मनोरंजन, ये मनोरंजन तो हो जाएगा लेकिन इससे मिलेगा क्या? तुमने 3 घंटे की पिक्चर देखी, इससे क्या मिला? सास बहू की कोई सीरियल देखा, कभी
बहू भी सास थी, नहीं कभी सास भी बहू थी, ये ना कौन सा सीरियल है मेरे को याद नहीं इसका नाम, कभी सास भी बहू थी, अब तुमने देख लिए कभी सास भी बहू थी, लेकिन अब तुमको इससे क्या लाभ मिला ये विचार करो, तुम्हारे जीवन में इससे क्या तुम्हारी तरक्की हुई, इससे तुम्हें कितने पैसे की प्राप्ति हुई, इससे कौन से धन की प्राप्ति हुई, तुम्हारे जीवन में कौन सा तुम्हारा उत्थान हुआ, क्या हुआ इससे, क्या मिल क्या रहा है इससे। ऐसा वो तंबोले से तो बहुत कुछ मिलता है, कि क्या मिलता है, बोले एक घंटे तक खेलो तो कम से कम एक डब्बा तो मिलता है, मैंने कहा तुम्हारे एक घंटे की कीमत एक डब्बा ही है क्या, अरे तुमको ऐसा लगता है कि हमारे एक घंटे की कीमत एक डब्बा ही है तो जरूर खेलो, और क्या करते हैं उसमें, बोले उसमें कुछ नहीं, वो एक नंबर रहते हैं छेद लगाते हैं सब लोग, एक जना नंबर चिल्लाता है बाकी सब लोग उसके अंदर छेद लगाते हैं, तो मिलता क्या है कुछ नहीं, मिल जाए तो मिल जाए अपना भाग्य, तो डब्बा मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। तो मैंने कहा इनकी कीमत इन लोगों की एक डब्बे से ज़्यादा इनकी कीमत नहीं है, इन्होंने अपने एक घंटे की कीमत क्या की नहीं है, एक डब्बा। तो तुम्हारा अपना मनुष्य भाव एक डब्बे जितना ही है क्या, क्या है माने हमारे पास जो समय मिला है हम उस समय का कायम उपयोग कर रहे हैं। यदि हम ये कहें कि कोई लौकिक आजीविका के लिए भी यदि उपयोग कर रहा है, कोई बच्चा अपने पढ़ने के लिए उपयोग कर रहा है, कोई अपनी व्यापार व्यवसाय के लिए कर रहा है, कोई माता बहन यदि उस समय में अपने पति के लिए खाना बना रही है तो समझ में आया, लेकिन वो तो पति को कहती है कि आज तो अपने को होटल चलना है क्योंकि आज तो अपनी किटी पार्टी है, तो आज तो ही नहीं खाना बना है, तो वो ना तो कोई आजीविका से संबंधित काम कर रही है ना कोई मोक्ष मार्ग से संबंधित काम, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अपन तो यहाँ अपनी परिभाषा जो है अनर्थ दंड के अंदर, अनर्थ की जो परिभाषा है, निष्प्रयोजन की परिभाषा है, वो है कि जिन कार्यों से न तो हमारे लौकिक आजीविका का प्रयोजन सिद्ध हो, न हमारा लौकिक विकास हो, और न ही जिन कार्यों के द्वारा हमारा मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध हो, ऐसे सारे कार्य क्या कहलाएंगे, अनर्थ दंड। वास्तव में तो एक्चुअल में इसकी परिभाषा तो ये है कि जिन कार्यों से मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध होता है वो कार्य तो है प्रयोजनभूत अर्थ, और जिनसे हमारा मोक्ष मार्ग का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वो सब क्या में जाएंगे, अनर्थ। तो फिर तो आजीविका छूट जाएगी अपनी, आजीविका से मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध होता है कि हाँ होता है, गृहस्थ आजीविका इसलिए कमाता है ताकि उसका मोक्ष मार्ग निर्विघ्न रूप से चलता रहे। गृहस्थ के लिए एक कहावत है कि यदि गृहस्थ के पास में स्वयं की आजीविका नहीं होगी, यदि गृहस्थ के पास में कोड़ी नहीं तो वो गृहस्थ नहीं, सुनी नहीं, तो मुनि के पास कोड़ी हो तो मुनि नहीं, क्योंकि गृहस्थ तो मुनि नहीं बना ना, तो अब वो अपनी आजीविका चलाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी धंधा जो भी होगा करना पड़ेगा, तो वो तो उसके लिए अनिवार्य है, और वो जो आजीविका भी कमा रहा है वो किसके लिए, ताकि मेरे को मंदिर में बैठे बैठे ये विकल्प नहीं हो कि मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा, मेरी पत्नी भूखी तो नहीं मर रही है, अथवा तो पति का क्या हो रहा होगा, भाई इतना विकल्प नहीं हो। भाई जैसे अपने यहाँ कई मजदूर होते हैं और मजदूर को सुबह उठते ही चिंता करनी पड़ती है, काहे कि आज मेरे को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता आज भूखे पेट सोना पड़ेगा। ऐसे हिंदुस्तान में अनेकों लोग हैं जिनको सुबह उठते ही सबसे पहले इस बात की चिंता होती है कि अपने को आज भोजन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और भूख से इतने तड़पते हैं कि कचरे की पेटी में से जो भोजन हम फेंकते हैं उस भोजन को वो निकाल के खाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो वो स्थिति अपनी न हो इसके लिए अपने लिए आजीविका तो आवश्यक है, तो आजीविका को तो अपन अनर्थ दंड में नहीं डाल सकते गृहस्थ शावक की भूमिका में, लेकिन आजीविका के अलावा इसके जीवन में ऐसे बहुत सारे काम है जो कि ये निष्प्रयोजन करता है, क्या जिनसे न मोक्ष मार्ग का संबंध है और न कोई हमारे जीवन का विकास का संबंध है, न हमारे उसके आजीविका से संबंध है। तो आचार्य कहते हैं हम तुमसे उन्हीं कार्यों का त्याग कराते हैं और किन्हीं कार्यों का त्याग नहीं कराते। एक लौकिक में कहावत है, जीवन की चौसठ कला,
क्या जीव की जीवन मतलब जीवन माने जीव की 64 कलाएं हैं। 64 कला मतलब कौन कौन सी, दो पांच के नाम बता सकते? नृत्य कला, गायन कला, वादन कला, भाषण कला, ऐसी बहुत सारी कलाएं, शिल्प कला। वो कहते हैं कलाएं तो बहुत है, लेकिन इन कलाओं में जो सारभूत कलाएं हैं तो तामे दो ही सार, सारभूत कलाएं दो ही है। कौन कौन सी? इनमें से एक को नहीं छोड़ा जा सकता गृहस्थ के लिए। कौन कौन सी दो सारभूत कलाएं? एक जीव की जीविका और दूजी जीवोद्धार। जीवन की 64 कला, मनुष्यों की 64 कला है, लेकिन उसमें सारभूत कलाएं दो ही है, एक जीव की जीविका और दूजी जीवोद्धार। यदि इन दो में से एक में भी कमी होगी तो बाकी 62 कला उसके कोई काम की नहीं है। नाचना खूब आता है साहब, कोई लड़का एक कोई लड़की देखने जाए, लड़की वाले पूछे उससे तुम्हें कुछ काम वाम? हाँ साहब, लड़का हमारा नाचता खूब अच्छा है। क्यों? और कुछ? गाता भी बहुत अच्छा है साहब। क्या हमको कोई अपनी लड़की की शादी न चाहिए और दो ही से करनी? ये खिलाएगा क्या, लड़की खाएगी क्या, रहेगी क्या, पहनेगी क्या? वो यही पूछेगा ना, इसकी आजीविका क्या है? कि नहीं साहब बहुत अच्छा भाषण देता है। कि भाषण से बेटी का पेट तो ही भराएगा, पेट कैसे भराएगा? आजीविका से। तो एक तो जीव की आजीविका, और आजीविका तो इसमें सब चतुर है, आजीविका तो पूरा विश्व कमा रहा है। लेकिन आजीविका आजीविका के लिए नहीं कमाई जाती, आजीविका इसलिए कमाई जाती है कि उस आजीविका के निमित्त से हम अपना मोक्ष मार्ग निर्विघ्न रूप से साध सके। हमें विकल्प नहीं रहे, खाने की चिंता नहीं रही, यहाँ बैठे हो अपने को चिंता होए कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी अपन यहाँ क्यों बैठे मालूम है? क्योंकि अपने को आजीविका बनी हुई है, तो आजीविका तो बन गई अपनी, तो अब दूसरी जरूरत किसकी है? जीवोद्धार की। कि आजीविका तो सभी लोगों की है, कुकर कुत्ता भी अपनी आजीविका निकाल लेता है, एक रोटी वो भी कहीं से ढूंढ के मिल जाती है उसको, चूहे बिल्ली जानवर भी अपना पेट किसी तरह भर लेते हैं। और यदि आदमी ने भी अपना जीवन पेट भरने के लिए रखा, पांच इंद्रिय के भोग के लिए रखा, तो कहते हैं उस मनुष्य में और पशु में क्या अंतर रहा? ये काम तो तुम कुकर शुकर की पर्याय में भी कर सकते थे, ये तो बस इसके लिए आजीविका आवश्यक कही थी कि तुम्हें आकुलता नहीं हो धर्म साधन में। लेकिन आजीविका आजीविका के लिए नहीं है, वस्तुतः आजीविका मोक्ष मार्ग की निर्विघ्न रूप से आराधना करने के लिए। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक तो खाने के लिए जीते हैं और एक जीने के लिए खाते हैं। अपन कौन में से है इसमें से? किसा अपना तो मजा ही, खाए नहीं तो जीवन क्या है, बिना खाने के क्या जीवन? कई लोग बोलते हैं सब, दाल बाटी चूरमा के बिना जीवन ही क्या है, इसके बिना जीवन ही क्या है, इसके बिना जिंदगी क्या है? अरे लोगों को जो चीज़ पसंद होती है, समझ लो चटनी पसंद है और चटनी नहीं बने तो पत्नी भी कहता है चटनी नहीं है क्या, चटनी आज बनाना भूल गए, तो हम कमाते गाय के लिए क्या, जिंदगी गाय के लिए, वैसे जिंदगी बोर्ड करने के लिए क्या? तो मतलब कमा गाय के लिए रहे, चटनी के लिए, जिंदगी गाय के लिए है चटनी के लिए, तो खाने के लिए जिंदगी है ना उसकी, तो खाने के लिए जिंदगी है मिली है कि जीने के लिए हमको खाना है? क्या करना है बताओ? जीने के लिए खाना है, तो ऐसी आजीविका के लिए आजीविका है कि मोक्ष मार्ग के लिए आजीविका है? है अपना उद्देश्य क्या है? अपन आजीविका क्यों कमा रहे हैं? इसलिए कमा रहे हैं अपन कि अपनी आजीविका चलती रहे, कि यह आजीविका का उद्देश्य यह है कि भाई हमारा इसके निमित्त से मोक्ष मार्ग निर्विघ्न रूप से चलता रहे। उद्देश्य क्या है अपने जीवन में? यदि आजीविका मोक्ष मार्ग के लिए है तो वो आजीविका कमाते हुए भी उसको वैसा पाप नहीं लगेगा जैसा पाप आजीविका आजीविका के लिए जो कर रहा है उसको लगेगा। तो इसलिए आजीविका भी अपन काय के लिए कमा रहे हैं? मोक्ष मार्ग के लिए। मतलब हमारा
हर कृत्य जो मोक्ष मार्ग के लिए है वो तो अर्थ रूप है, प्रयोजनभूत है, और जो भी मन वचन काय की क्रिया जिसका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है वो सब कहलाएगी अनर्थ क्रिया, और उसका मिलेगा अपने को दंड। अब आप सुबह से शाम तक हर चीज को इस पर अप्लाई करो कि इससे मेरे मोक्ष मार्ग की क्या सिद्धि होगी। यदि इससे मेरे मोक्ष मार्ग की कोई सिद्धि नहीं होती है तो ऐसे समस्त मन वचन काय की क्रिया को छोड़ दो। मन में कोई विचार लाया पर इस सामने वाले व्यक्ति का बुरा होना चाहिए, इसकी बहुत इतराता है, इसकी नौकरी चली जाए तो मजा आ जाए, इसकी दुकान में जरूर चोरी होनी चाहिए, और सुन ले खबर कि उसकी दुकान में चोरी हो गई, हाँ इतनी शांति मिली कि जैसे कोई अपन ने 1000 रुपये कमा लिए। मैंने खुद को आज दुकान पे बैठ के जितना आनंद नहीं आया उतना आनंद किसी दूसरे के धन का नुकसान की खबर सुनने में आया। तो वो कहते हैं इससे तुमको मिला क्या, तुम्हें क्या लाभ हुआ, तुमने तो दूसरे के खोटा सुन के अपने परिणाम बिगाड़े। तो इसलिए उन्होंने कहा अनर्थ दंड है। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, किसी की धन हानि का चिंतन, किसी के पुत्र का मरण हो जाए, किसी की पत्नी मर जाए, किसी का अपमान हो जाए, कोई जीत जाए कोई हार जाए, पाकिस्तान वाला हार जाए इंडिया की टीम जीत जाए, ये सब क्या है, अनर्थ दंड है। एक दिन अपन ने क्रिकेट का मैच देखा, शाम को उससे रिजल्ट निकालो, तुमको क्या मिला, कुछ नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, काय में जाएगा, अनर्थ में जाएगा। इससे अपना मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध हुआ, कुछ नहीं, ना आजीविका सिद्ध हुई ना मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध हुआ। वो सब इस चीजों में लेते हैं, मैंने इसको ना उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, एक मन संबंधी, एक वचन संबंधी और एक काय संबंधी। जैसे अनर्थ दंड के 5 भेद हैं, उन 5 को अपन 3 में घटा सकते हैं। तो एक तो क्या हुआ, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, किसी की मन में मतलब किसी के बुरे करने बुरा हो, किसी के बुरा करने का चिंतन नहीं करें, किसी की धन हानि हो जाए, किसी का नाम नुकसान हो जाए, हार जाए, और हो जाए तो उसमें आनंद नहीं मनाए। होनी तो ऐसी बुद्धि चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे प्राणी मात्र सुखी हो, सारे जीव निरोगी रहे, संसार में सब जीव दुख का अभाव करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। अपना क्या जा रहा है इसमें, तो एक तो ये मन से खोटा चिंतन करना, इसको अनर्थ दंड कहा। दूसरा, देन सो उपदेश होए अग बनिज क्रसीते, ऐसा उपदेश नहीं देवे जिससे कि कोई पाप में फंसे। ऐसे व्यापार का व्यवसाय का कृषि का ऐसा उपदेश नहीं दे, फ्री फोकट का एडवाइजर नहीं बने। कोई पूछने आया साहब ये धंधा खोल लूँ, हाँ बिल्कुल बहुत मुनाफा है इस धंधे के अंदर, और ये तुम्हारे को भी कुछ पैसे वैसे की जरूरत हो तो मेरे से ले जाना। अब अपने से अपन अपने जीवन में जो पाप कर रहे हैं वही कोई कम नहीं है, और हम व्यर्थ में दूसरे को पाप की एडवाइस दें और उसके पाप में हम सहयोगी बने, तो कह रहे हैं कि ये बिना प्रयोजन का पाप है। क्योंकि हम अपने लिए कोई काम करें वो तो समझ में आता है, लेकिन दूसरे जीवों को आजीविका लगाने की जिम्मेदारी अपनी नहीं है। अथवा फ्री फोकट में वो एडवाइस देने की जरूरत अपने को नहीं है। क्या हम यूं ही अपने जीवन में इतने पाप कर रहे हैं कि बिना प्रयोजन के किसी दूसरे को, अपन खुद ही आजीविका कर रहे हैं ना, खुद ही आजीविका कर रहे हैं, खुद ही व्यवसाय में लगे हुए हैं, खुद ही नौकरी धंधे के पाप में खूब लगे हुए हैं, तो हम दूसरों को उस पाप की क्यों और प्रेरित करें, हम कर रहे हैं वही कम नहीं है। नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोगों को आवाज आ जाएगी मेरे ख्याल से, आ रही है। तो कहते हैं दूसरे लोगों को हम क्यों प्रेरित करें, काहुन सो दे उपदेश। दूसरी बात क्या है,